हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सिरसा में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में समाज सेवियों द्वारा भोजन वितरण का काम बिना रुके बिना थके किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि सिरसा में कोई भी जरूरतमंद भूखा न सोए। लोग दिन रात निजी और सामूहिक प्रयासों से जनसेवा का बीड़ा उठाए हैं। वहीं एक कबाड़ी के पास दो कट्टे रोटियों के मिलने का वीडियो वायरल होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या लोग फ्री में मिल रही रोटियों को एकत्रित करके उसे कबाड़ी को बेचने का काम कर रहे हैं? इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक राजेश चेची ने समुचित जांच और कार्रवाई की बात कही है। वहीं लॉकडाउन के दौरान करीब 25,000 लोगों के लिए भोजन वितरित करवा रहे विधायक गोपाल कांडा के भाई और समाज सेवी गोविंद कांडा ने लोगों का आह्वान किया है कि लंगर प्रसाद होता है, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। मैं पहले तो उन संस्थाओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, पर अगर ऐसा मैंने भी वीडियो देखी है और कई संस्थाएं बेचारों जिनको पता नहीं होता कि जैसे मैं 31 वार्ड में खाना दे रहा हूँ लगभग, वो लोग भी जाते हैं जाके, उनको पता नहीं ना, वो पूछते हैं, वो जाके दे आते हैं खाना। अब लोग खाना ले लेते हैं, वो खाना काम नहीं आता, तो वो इस तरीके की कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो नहीं करना चाहिए। हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, हमें अन्न को काम में लेना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रसाद है तारा बाबा का, और जितनी जरूरत है उतना लेना चाहिए, उसको उतना ही खाना चाहिए। देखो भाई गोपाल कांडा जिनका, मेरे सिरसा में कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा ना भूखा रहेगा, और उनको ये सोच के भी जब प्रसाद लोग उनसे ले लेते हैं खाना और वो बाद में देखते हैं कि कुटिया का प्रसाद आ गया तो वो छोड़ देते हैं, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उनसे ले लिया तो ये ना लो आप, मतलब जो संस्थाएं काम कर रही है हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि आज सिरसा के अंदर कोई भूखा नहीं सो रहा। अन्न का अपमान सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाना एक टाइम अभी संकट के समय में मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ना करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, उससे देने वाले की भी भावना आहत होती है जी।